राजधानी लखनऊ में इंसानियत शर्मसार हो गई। वहाँ की कानून व्यवस्था फिर सवालों में आ गई, जब कानून का रक्षक ही भक्षक बन गया। बीरपाल सिंह भदौरिया नाम के एक इंस्पेक्टर ने एक नाबालिग बच्चे को अपनी हवस का शिकार बना डाला। खाकी को शर्मसार करने वाले इंस्पेक्टर की पत्नी बीजेपी नेता बताई जा रही है, लिहाजा सत्ता की हनक और हवस में वो धमकी देकर कानून का माखौल उड़ाने में जुटा हुआ है। तो फिर मैं शीशा खटखटाने लगा तो बोले कि जानते नहीं हो, अगर ये घर में जाके बताओगे तो हम जानते नहीं हो कि तुम्हारे पापा सुबह सुबह जाते हैं पूजा करने और तुम स्कूल जाते हो, तो बस्ती तुम्हारी मम्मी है, सोच लेना क्या हालत होगा तुम्हारा। हम लोग थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाए और हमारे बच्चे को जब ये लोग मेडिकल जांच के लिए ये ले गए और उससे वो सब करवाए लिए, सब उसका पूरा वो किए लोग, जब उसका बयान लिए लोग तो पुलिस वाला हमारे बच्चे के सामने गाली दिया कि तुम्हारे मम्मी पापा इस बच्चे के मम्मी पापा पैसा कमाना चाह रहे हैं, इसलिए इसको गलत गलत बयान सिखा दिए हैं और गलत गलत ये करवा रहे हैं पैसा कमाने के लिए। पुलिस वाले भी कुछ गाली दिए हैं। सर हम लोग बस न्याय चाहते हैं, हमारे बच्चे के साथ बहुत बुरा हुआ है, बस ये है कि हमारे बच्चे को न्याय मिले और हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए। उसको पीड़ित मासूम के घर वाले न्याय की मांग कर रहे हैं। लोक बंधु राज नारायण हॉस्पिटल में बच्चे का मेडिकल करवा मामला दर्ज कर दिया गया है। पीड़ित मासूम के घर वाले न्याय की मांग कर रहे हैं। उसकी पत्नी जो है वो भाजपा के पदाधिकारी है, भाजपा पार्टी के पदाधिकारी है, उसका नाम नहीं बता पाएंगे, बोल लगा उसके घर। फोन कहा कि पंडित जी कुछ नहीं होगा, वापस कर लो, ये सब बवाल हो जाएगा, तुम गरीब आदमी हो, तुमको उजाड़ देंगे, वो कर देंगे, हमारी सरकार है, ठाकुर है, उसके बाद से हमको जो अपराध करने का छूट मिला। हमारी मांग है कि इनको दंड दिया जाए, नहीं तो हम लोग को हवाले छोड़ दिया जाए। पुलिस क्या तैयार नहीं कर रही क्या? अब पुलिस के विषय में तो हम नहीं जानते हैं। पुलिस को अपना व्यवस्था होनी चाहिए, पुलिस का मतलब ये होना चाहिए सबको जो जुर्म जो गलत है उसके सामने उसको दंड देना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो पुलिस वाला है तो पुलिस वाले के साथ होना चाहिए, या तो ऐसा ये अगर नहीं खत्म होगा तो बड़ा खराब हो जाएगा व्यवस्था। लोक बंधु राज नारायण हॉस्पिटल में बच्चे का मेडिकल करवा मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन लाख टके का सवाल यही है कि क्या बीजेपी नेता के पति होने के बाद पुलिस उस पर सख्त कार्रवाई करेगी, क्या मासूम के गुनहगार को सख्त सजा मिलेगी। अविनाश मिश्रा, लखनऊ, APL।